कि मैं अकेली नहीं जा सकती यहाँ पे बाहर, अपने अपने रीजंस होते हैं। इधर मैं स्कूल जा रही हूँ, ये साथ ही है, ये घर है, इसके साथ स्कूल है, छोड़ने जा रही हूँ। मुझे यहाँ पे आई हुई हूँ, स्कूल आई हूँ, तो अब ये बच्चों के मंथली टेस्ट हो रहा है। माना अम्मी ने आपसे क्या कहा था कि मुंह छुपा के बाहर जाना है, और आप देखो मैंने अम्मी के लिए सबूत रख लिया। मैंने कहा ना ये देखिए ऐसे बाहर गई थी, यहाँ पे कोई है जो आएगा मैं ऐसे कर लूंगी क्या? अभी कोई है? ओ, क्या मसला है? नीचे जाओ, जाती हो कि नहीं? मैं धक्का दूं तुझे, चल नीचे पहुंच, जा जा जा, इसलिए नीचे भेजा था, अब ऊपर आओगे तुम थक जाओगे, जरा ऊपर आओ। और मुंह छुपा लूं? ओके ओके शुरू हो। ओके मेरे भाई, ये होती है संस्कारी बेटी। ये फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू समर की दुनिया, सो वेलकम बैक टू माय न्यू एंड न्यू व्लॉग। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक हो गए। और सबसे पहले हमारी यहाँ पर बहुत देर से मॉर्निंग हुई है, सबकी 5 बजे होती है और हमारी हुई है कोई आज 10 बज गए। खैर, मॉर्निंग की, फ्रेश हुए, अब नाश्ते के लिए रेडी हो गए, नाश्ता करते हैं। वो देखिए शरोज और निशान नाश्ता कर रहे हैं। चलो, नाश्ते में क्या है? नाश्ते में अजी ये क्या, ये आलू गोश्त है, आलू गोश्त है, और ये साग बनाया है। ये अलमानी के कहने पे बनाया ना, आप जब आते हैं ना, ये फरमाइश करते हैं तो फिर साग बनता है। आप भी आए तो हमने कहा कि अपने हाथों का साग बना के दिखाएं। अच्छा अच्छा, हाँ, और ये साग कोयले पे बना है ना? कोयले पे बना हुआ है। शिरोज कैसा बना है? बेहतरीन, गुड। चले फिर हम सबसे पहले नाश्ता करते हैं, देन आपसे मिलते हैं। ओके, तो यार हमने खाना शाना खा लिया, अच्छा आंटी ने बहुत अच्छा साग बनाया था। पहले तो मैंने कोलों का साग है, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा टेस्ट था उसका। तो मत मत, ये तो आ गए, वो एक उधर रह गए, ये लो भाई। यार ये भाई के डॉगी हैं तीनों, एक दो तीन, ये तीनों ही ना इस जगह की रखवाली करते हैं, इस पूरी जगह की। बहुत मस्त प्यारे हैं। इसको मैंने हाथ भी लगाया, लेकिन दोनों ने मुझे कुछ नहीं कहा। इनकी मेरे से दोस्ती हो गई है, अच्छी वाली दोस्ती है ये ना। अरे आप सारे देख रहे हो, ये इसी भाई के हैं, ये भी, और इस तरह भी सारे, और ये उनका डॉगी भी साथ साथ ही चल रहा है। यार इधर चलना बहुत ही मुश्किल है, ये लोग चल चल के एक्सपर्ट हुए, हम तो चला भी जाता इधर। मुझे छोड़ के अब तू बाहर नहीं जा सकता। ओके, मेरी तो पहले तो उतार ले। अच्छा, हम थोड़ी सी तस्वीरें वगैरह ले रहे हैं, क्योंकि शायद आज मेरी इधर लास्ट नाइट ना हो, वो कहीं और हो, सिर्फ लास्ट डे है यहाँ पे। तो फिर यहाँ से फिर हम चलेंगे, अभी तो हम खाला की तरफ जा रहे हैं, यानी कि खाला, मेरी भी खाला ही लगी, अम्मी की बहन, हाँ, खाला की तरफ जाएंगे, वो रहती हैं थल में, अब वहाँ जाते हैं, वहाँ से फिर हम तस्वीरें वगैरह लेंगे। ठीक है, लगता है ये भी अलमानी की मुर्गियाँ, देखें ये अलमानी है, ये मैं हूँ बीच वाली, वो शरोज है, क्योंकि वो देखें ना हम एक जैसे लगते हैं ना, इसलिए। साहब तो बाहर फिर घूमने चले गए हैं, और मुझे इजाज़त नहीं है कि मैं अकेली नहीं जा सकती यहाँ पे बाहर, अपने अपने रीजंस होते हैं इधर की। खैर, तो आपको पता है फिर अपनी अपनी बातें होती हैं, तो मुझे तो कोई मसला नहीं। ये भी यहाँ पे भी मतलब इंजॉय ही हो रहा है, अभी खाना शाना खाया है, तो मैं वॉक शॉक कर रही हूँ। इनसे पूछा कि मैं स्कूल जा सकती हूँ, तो कहते हैं हाँ ठीक है, हम आपको छोड़ आते हैं। तो मैं कहा हाँ जी, आप मुझे छोड़ा है प्लीज़, अब मैं स्कूल जा रही हूँ, ये साथ ही है, ये घर है, इसके साथ स्कूल है, छोड़ने जा रही हूँ। मुझे यहाँ पे आई हुई हूँ, स्कूल आई हूँ, तो अब ये बच्चों के मंथली टेस्ट हो रहा है, तो मैंने कहा शरोज ज़रा बच्चों की तस्वीरें वगैरह ले लो, तो शुकी मेरी भी एक दरमियान में खड़ी होकर ले ले, ताकि पता लगे कि प्रिंसिपल आई है, मैं भी तो हूँ ना, मतलब प्रिंसिपल ही हूँ, नहीं प्रिंसिपल की दोस्त हूँ तो प्रिंसिपल ही हूँ, वो है तो मैं हूँ। अच्छा जी, हम इधर आंटी की तरफ गए थे, जैसे ही हम उनके घर से वापस आए हैं, तो ये देखें वो उनका घर था, ये इनकी गायें भैंस रखी हुई हैं, और ये क्या बात है, कमाल की जगह है यार। चलें अब वो
वो हमारा घर है, वहाँ चलते हैं। अच्छा मजे की बात यह है कि इधर ना आपस में सारे आपस में रिश्तेदार इकट्ठे ही रहते हैं, साथ 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 साथ, माशाल्लाह सबके साथ साथ घर है। ज़िया भाई के घर जा रहे हैं जो कि लाहौर रहते हैं, लेकिन उनकी फैमिली पूरी यहाँ पे रहती है, उनके घर वालों से मिलके फिर उनको भी अल्लाह हाफिज़ कहते हैं अच्छी तरह। अच्छा ये जी ज़िया भाई का घर है माशाल्लाह, और ये उनकी ही जगह है। तो बकाया कमरा कौन से कमरे में जाना है? उधर सामने। अच्छा ये वाला, अच्छा ठीक है चलते हैं अंदर। अच्छा जी ये ज़िया भाई का कमरा है माशाल्लाह, अभी अभी इनकी शादी हुई है तो इनके लिए दुआ करें अल्लाह पाक इनके नसीब अच्छे करे। ओ उसके ऊपर कबाब बैठा था जब मैंने वीडियो स्टार्ट की, साथ ही उड़ गया, उसे पता लग गया मैं वीडियो बनाने लगी। सबके घर से हो आए, जहाँ जहाँ मिलना था अब जहाँ जाना है वहाँ जाने लगे हैं। थल थल जा रहे हैं कि थल क्या कहते हैं, थल जा रहे हैं, तो फिर वहाँ जाके आपको मिलते हैं, वहाँ खाला के घर है हमारी, तो ठीक है वहाँ चल के मिलते मिलते ओके। लो जी चीची रक्षे में बैठे। अच्छा जी जिनके हम घर आए ना, यानी कि जो हमारी खाला का घर है वो ये है, और आसपास मैं आपको दिखाती चली जाऊं, ये है, इसको कहते हैं थल, जहाँ पे काले चने उगते हैं ना। अच्छा चले मैं आपको दिखाती हूँ, ये यानी कि सुनसान आबादी एक साहब की, और यहाँ पे मतलब बिजली बिल्कुल नहीं है, गैस नहीं आती यहाँ पे, वैसे होती नहीं, और बिजली भी इस इलाके में नहीं है, ये एरिया में नहीं है। तो शरोज साहब वो देखें तस्वीरें ले रहा है कैमरे में, अब इधर हम अपनी भी ज़रा कुछ तस्वीरें ले लें। ये देखिए आप, ये छोटी सी सड़क है और इतनी लंबी है, पता नहीं कहाँ जा रही है, और यहाँ पे देखें दूर दूर तक कोई बंदा नज़र आ रहा है, दूर दूर ऐ दो बंदे नज़र आए ने ले। कौन है ये लोग? माना अम्मी ने आपसे क्या कहा था कि मुंह छुपा के बाहर जाना है, और आप देखो मैंने अम्मी के लिए सबूत रख लिया, मैंने कहा ना ये देखिए ऐसे बाहर गई थी, यहाँ पे कोई है जो आएगा मैं ऐसे कर लूंगी क्या? अभी कोई है ही नहीं था। एक मिनट, कोई मसला ही नहीं है, मुँह छुपाने में भी कोई मसला नहीं है, लेकिन कोई है ही नहीं, तो जब पूरे रक्षे में मैं ऐसे करके आई हूँ, ऐसे देखो मुँह छुपाया था ना बस। अच्छा, काफी तुम भी खुश हो जाकर अपने काम से काम। तो जी मेरा दिल कर रहा है कि मैं वो पहाड़ी वो उसके पास जाके उसको हाथ लगाती हूँ। दूसरी बात ये कि देखो जिस माहौल में आते हैं उस तरह फिर रहना पड़ता है। अब ये क्या इधर भी फैशन शो चला दूँ तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना, तो जैसे उन्होंने कहा वैसे मैंने किया, कोई मसला नहीं, मुझे कोई इशू नहीं हुआ इस बात से। आ जाओ अब तुम, बड़ा करते ना मुँह छुपा लो, कहाँ छुप गए हो तुम खुद? ये देखो फोटोग्राफर को देखिए, पता नहीं क्या क्या चीज़ें जूम करके तस्वीरें लेनी है इसने आज। ये देखो ये बिच्छू की तस्वीर, वाकई बिच्छू, ये देखो ओ जाए पागल, रेड बिच्छू था, जा जा इसमें होते हैं, पूछ लो बिच्छू होते हैं इसमें, बस इसने भी सारे छतरे देख कैसे देख रहे हैं, हाथ लगा ले, वाव यार वाव जबरदस्त माशाल्लाह। चले अब और ऊपर चलते हैं, देखा ही शरोज फिर, चलो ऊपर चलते हैं। हाथ ये रेत है ना जिसकी वजह से ना चलने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, जबरदस्त। हम वहाँ से आए हैं, वो कहाँ से? ये घर यहाँ से हम आए हैं, ये देख रहे हैं, ये देखे फोटोग्राफर। अच्छा यहाँ से मजा आता है आने से, भाग के अच्छा अगर कोई गिर जाए तो नहीं गिरता। अच्छा यहाँ से जाना ना, इतिहास से जाना पहले तो बजाने लगी कौन सी शुरू जाओ वहां से नीचे से हो गया हूं, ये जो है ना ये बनी है क्यों लो। अब देख रहे हैं आप पीछे मेरे, ओ माशाल्लाह माशाल्लाह नहीं मैं नहीं नीचे जा सकते तो मेरी बस तस्वीर ले, फिर ऊपर आना मुश्किल होता है, वो कह रहे हैं फिर शूजों के अंदर मिट्टी चली जाएगी मेरे, चलो यहाँ तस्वीर लेते हैं। ओ, क्या मसला है, नीचे जाओ, जाती हो कि नहीं, मैं धक्का दूं तुझे, चल नीचे पहुंच, जा 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 जल्दी जा, इसलिए नीचे भेजा था, अब ऊपर आओगे तुम थक जाओगे, जरा ऊपर आओ, जा वहां तक तो जाता श्रोस। अच्छा नीचे इतनी आहिस्ता उतरे और ऊपर कितनी स्पीड से, ये कैसे आए ऊपर? आई लव यू।
अच्छा जी, बहुत तेज हवा चलने लग गई और जैकेट पहनना भूल गई हूँ, वो घर रख दी है। अब चलते हैं घर को। माशाल्लाह सारे मंजर भी देख लिए, बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आया। और अब चलते हैं घर, घर जाके खाना खाते हैं, फिर हम चलते हैं घर को। एक और बात, जल्दी जाने में एक तो सर्दी है ना, दूसरा ये है कि ये जो रेत वाला इलाका है ना, इसमें बहुत बिच्छू होते हैं। मुझे देखो, नीचे देखो। अरे ला श्रोस, तू ऑर्डर आ, बहुत बिच्छू होते हैं। दूसरी रीज़न ये भी है जल्दी जल्दी घर जाने में, ये ना सैर करने आई हूँ तो सैर करते करते ऊपर पहुँच जाऊँ। अब हम जा रहे हैं घर, बिच्छुओं ने यहाँ पे अपने छोटे छोटे घर बनाए हुए हैं। इससे पहले कोई बाहर निकले अपने घर से, हम अपने घर चले जाते हैं। सांप भी होते हैं। हेलो, दूसरी बात ये भी है, सांप भी होते हैं। इस तो पहले सांप पाए शुरू, सांप ऐसे नहीं होते। चलो चलो कार चलो, बहुत होगी सारा। नीचे देख देख के चलना है। ओके, बिच्छू का कोई पता नहीं, आते वक्त पता नहीं लगता। हाँ, और अब कोई तस्वीर लेने की जरूरत नहीं है, छोटा हो बिच्छू या बड़ा हो बिच्छू, तू अपने आप को देख ले। ओके क्या? अच्छा जी, अब हम वापस घर जाने लगे हैं। ये है जिया भाई के पापा जी, और ये है जी शरोज। हाँ जी, चले घर बैठे। ओके चलो भाई बैठो। ओके, मूछ पालू छुपा लो। ओके ओके शरोज, ओके मेरे भाई ने कहा भी मूछ छुपा लो, मैंने मूछ छुपा लिया। ओके यार, फाइनली एक घंटे बाद हम अपने घर आ चुके हैं। देखो देखो, मारन ने काम कर लिए। ये होती है संस्कारी बेटी। ये घर जाके वीडियो दिखाऊंगा मम्मा को। किस बात की शौकियाँ? तो फाइनली हमारा इलाका आ गया, यानी कि हमारा घर आ गया। और कोई बात नहीं, इसमें अम्मी कहते हैं कि नज़र लग सर तो मुँह लुका ला, कुछ नहीं होता है, तो एक ही हो गया। शुकी साहब तो ऐसे बहुत ड्रामे करता है। बाकी हम अपने ब्लॉग का इधर इख्तिताम करते हैं, क्योंकि मैंने नेक्स्ट दावत पे जाना है। खाती तो इतना कुछ हूँ नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत खाना पड़ेगा, तो फिर मगरिब हो जाएगी वहाँ पर। यहीं अपने ब्लॉग का करते हैं इख्तिताम। तो कल सुबह 10 बजे यहाँ से डाइवो पे बैठ के अपने घर, फिर लाहौर जाने का एक ब्लॉग होगा, फिर चले इधर ही अपने ब्लॉग का करते हैं इख्तिताम। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, और हमें दुआओं में याद रखें। ओके शुक्की, कहाँ गया है? वो बिजी है। बाय बाय कर दे शुक्की, कहाँ? बाय बाय कर दो। हाँ, हमें दुआओं में याद है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।